कहा यह भी जाता है आचार्य जी कि शिवरात्रि की रात काफी लंबी होती है, कन्याओं के लिए कुछ बताइए, क्योंकि कन्याएं सोचती हैं कि शिवरात्रि का व्रत रखने से मनचाहे वर की प्राप्ति होती है, ऐसे में क्या है वो ये व्रत शादी के बाद भी कंटिन्यू रख सकती हैं? जी बिल्कुल, जो भी कन्याएं कुवारी हैं वो शिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माँ गौरी की उपासना द्वारा मन वांछित वर की प्राप्ति कर सकती हैं। ये पुराणों का भी वचन है, शास्त्रों का वचन है और स्वयं अनुभूत बात है, बहुत लोगों के जीवन में ऐसा देखा है। कुवारी कन्याएं जो हैं वो जब भगवान शिव और माँ गौरी का ध्यान करते हुए ओम महारुद्राय नमः का इस दिन जाप करती हैं, तो जैसे भी वर की उनकी मनोकामना होती है भगवान शिव और माँ गौरी उनको प्रदान करते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, जो कुवारी कन्याएं हैं वो तो वर प्राप्त करना चाहती हैं, लेकिन जिनका विवाह हो चुका है वो शिवरात्रि का लाभ कैसे लें? तो वो अपने पति की लंबी आयु के लिए और उससे भी महत्वपूर्ण रूप से अगर पति बीमार रहते हैं तो उनके स्वास्थ्य की मनोकामना करते हुए शिव का पूजन और शिवरात्रि का व्रत करती हैं यदि सौभाग्यवती महिलाएं, तो भगवान शिव उनको अखंड सौभाग्य देते हैं। तो ये लाभ आपको मिलता है और अगर आप व्रत रख रही हैं तो आप हमेशा ही इसे बरकरार रख सकती हैं।